नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं सुविचार से, जो है समय हाथ से निकल जाने के बाद केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है। अर्थात बच्चों, किसी भी कार्य को करने के लिए एक समय निर्धारित होता है, उस समय में वह कार्य आपको पूरा करना होता है। यदि वह समय निकल जाए तो आपके हाथ में केवल पश्चाताप, पश्चाताप मतलब कि आप सिर्फ यही सोचते रहोगे, आपको अपने अंदर ही दुख होगा कि मेरे पास समय था पर मैंने यह कार्य पूरा नहीं किया। तो हमें इसे अपने जीवन में अपनाना है और आगे बढ़ना है बच्चों। इसके पहली कक्षा में बच्चों मैंने आपको मित्रता पाठ पढ़ाया था, जिसमें क्या था, खेल के मैदान के बीच कुछ बच्चे आपस में मिलते हैं और वह एक दूसरे से अपना परिचय करवाते हैं। तो मैं एक बार पढ़ रही हूँ, आप अपनी उंगलियाँ रखिए इस लाइन पर। अर्नोल्ड, नमस्ते, मेरा नाम अर्नोल्ड है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। अर्नोल्ड है, पहला बच्चा कौन है, अर्नोल्ड, और वह छतरी तालाब के सामने रहता है बता रहा है। दूसरी है लड़की तबस्सुम, मित्रों मेरा नाम तबस्सुम है, मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। अब ये क्या, तबस्सुम कहाँ रहती है, पाठशाला के पास, समीप मतलब पास। तीसरी है शमा, सुनो मैं शमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। चौथा है लड़का जो है विहंग, नमस्ते मैं विहंग, बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। देखिए चार है, एक छतरी तालाब के पास रहता है अर्नोल्ड, पाठशाला के समीप तबस्सुम, बाजार के पास शमा और बस स्टैंड के पीछे विहंग। अर्नोल्ड क्या कहता है, अभी अपना परिचय देते हुए सुनिए। मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। वह बता रहा है मेरे घर में दादा, माता, पिताजी और मेरी छोटी बहन है। तबस्सुम, मेरे घर में माताजी, पिताजी, बुआ जी रहती है और बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है, रोचक मतलब बहुत ही अच्छी। विहंग, मेरे पिताजी वकील है, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं, न्यायालय अर्थात कोर्ट बच्चों, तो कोर्ट में जो भी किस्से होते हैं ना, जो केस आते हैं वो सुनाते हैं। अर्नोल्ड, मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है, सरकारी मतलब गवर्नमेंट। तुम्हारी माताजी क्या करती है, तो शमा क्या कहती है, मेरी माताजी सरपंच है, कल मेरी सरपंच मतलब जो गांव के मुखिया होते हैं सरपंच, कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब ज़रूर आना। तो वह शमा क्या कर रही है, अपने जो भी वो बगीचे में मैदान में जो मित्र बने हैं उनको अपने घर में आमंत्रित कर रही है अपनी छोटी बहन के जन्मदिन के लिए। कौन, शमा। तबस्सुम, हाँ हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए भी ज़रूर आऊँगी, मदद मतलब सहायता, हेल्प। विहंग, आज से हम अच्छे मित्र हुए, तो विहंग क्या कहता है, आज से हम अच्छे मित्र हुए। देखिए बच्चों, यहाँ पे नर्स का चित्र दिया है, यहाँ पे ये जो है ना गांव में बैठे ये सरपंच है, तो सरपंच किसकी मम्मी है, शमा की, और ये न्यायालय में वकील विहंग के पिताजी। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहले आपको देखिए सबसे ऊपर जो दो पिंक लाइन रेड लाइन है उस पर मित्रता पाठ का नाम देना है, डेट डालनी है बच्चों, और नीचे की एक लाइन छोड़ के लिखना है प्रश्न पहला, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। तो पहला है छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, कौन रहता है छतरी तालाब के सामने, अर्नोल्ड, तो यहाँ पे उत्तर अर्नोल्ड, ये ऑप्शंस दिए बच्चों इधर। रोचक कहानियाँ सुनाती है कौन, तबस्सुम की बुआ जी, तो यहाँ तबस्सुम। मेरे पिताजी वकील है, किसके पिताजी वकील है, विहंग के, तो विहंग। और चौथा, मेरी माँ सरपंच है, तो उसका उत्तर है शमा, शमा की माता जी क्या है, सरपंच है। उसके नीचे एक लाइन छोड़ के जैसे मैंने कॉलम्स बनाए हैं तीन, आप भी वैसे ही कॉलम बनाओगे और साफ सफाई से लिखोगे। प्रश्न दूसरा, एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला, किन किन में मित्रता हुई, अर्नोल्ड, तबस्सुम, शमा, विहंग में मित्रता हुई। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे। प्रश्न दूसरा, कल किसका जन्मदिन है, तो उत्तर, कल शमा की बहन का जन्मदिन है। तीसरा, अर्नोल्ड के घर कौन कौन रहते हैं, तो अर्नोल्ड के घर दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। बच्चों जैसे मैंने लिखा है ना एक के नीचे एक एक, एक लाइन छोड़ के, आपको भी वैसे ही लिखना है, नए पेज से लिखोगे। और प्रश्न तीसरा, नीचे लिखे वाक्य किसने
किससे कहे है। अब ये क्या है, किसने किससे कहा, ये शायद हमारे पास अभी पहली बार आया है। तो एक वाक्य दिया है जो हमें बताना है कि किसने कहा और किससे कहा। तो तुम सब ज़रूर आना। तो यह क्या, शमा की बहन का बर्थडे था, तो यह क्या, शमा ने अपने मित्रों से कहा। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, तबस्सुम, अर्नॉट और विहंग से कहा, पर मैंने अपने मित्रों से कहा। आज से हम सब अच्छे मित्र हैं, यह क्या है, विहंग ने अपने मित्रों से कहा। तीसरा, मेरे पिताजी वकील है, यह क्या है, वकील किसके पिताजी थे, विहंग के, तो यह क्या है, विहंग ने अपने मित्रों से कहा। चौथा, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, यह अर्नॉल्ड ने अपने मित्रों से कहा। तो आपको भी बच्चों ऐसे ही लिखना है, उसके बाद लाइन खींचनी है पेंसिल से और ऐसे ही सफाई से लिखोगे। जहाँ जहाँ पे मैंने जो जो विराम चिन्ह लगाए हैं वहाँ आपको लगाने हैं और सफाई से अपना यह कार्य, जो मित्रता का पाठ है यह यहाँ पे समाप्त होता है। आपको सफाई से इसे लिखना है अपनी कॉपी में। अब हम अगली कक्षा में बचत पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।